नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है आप सभी को। कल मैंने जब 17,300 पे निफ्टी थी तब भी आपसे यही कहा था कि एक रिकवरी आ सकती है, जो मार्केट को 17,450 से 550 तक लेके जाएगी। और आज के सेशन का हाई 17,421 का है। क्या यहां से भी और तेजी आएगी? तो देखिए, 102 पॉइंट ऊपर है एंड बाजार में कुछ पॉजिटिव है नहीं। जब जीडीपी का नंबर खराब आया तब भी मैंने आपसे कहा कि ऑलरेडी हम लोगों ने सब नेगेटिव डिस्काउंट कर दिया है, ये केवल उछाल है, बाउंस बैक, शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब मार्केट में क्या करें क्या ना करें इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी बात करने वाला हूं मैं आप सभी के साथ वेदांता के स्टॉक के बारे में। कल काफी लोग पैनिक में आ गए थे, काफी लोगों के डर लगने लगा था, काफी लोगों के मन में सवाल थे कि क्या अदानी ग्रुप जैसा हाल होगा क्या इन स्टॉक्स का, क्योंकि डेट कंसर्न्स थे। इनफैक्ट वो डेट कंसर्न्स कंपनी की तरफ से ऑफिशियल नहीं थे, वो किसी की तरफ से ऑफिशियल नहीं थे, केवल और केवल रूमर्स थे, जिसपे मैंने कल ऑलमोस्ट 2 वीडियोस में आपको सब कुछ क्लियरली कहीं ना कहीं सब कुछ क्लियरली बताया कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कंपनी की तरफ से बयान आए हैं। कुछ ऑफिशियल हो ना हो, कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ऑफिशियल बयान जरूर आते हुए दिखे हैं, जहां पे उन्होंने क्लियरली कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि 1,000 करोड़ के तो हम ऑलरेडी लोन्स को एडवांस में पे कर चुके हैं, और जो अप्रैल मंथ में हमारी मैच्योरिटीज हैं उसके लिए हम पूरी तरीके से कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले अब एक कंपनी अगर डेट नहीं चुका पा रही तो वो लोन कम नहीं करेगी। ठीक है, पिछले एक साल में वित्त वर्ष में लगभग कंपनी ने 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज कम भी करा है। तो कंपनी यहां पे सब कुछ अपने डेट को लेकर क्लियरली बताते हुए दिख रही है, यानी कि डेट कंसर्न नहीं है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि स्टॉक का प्राइस गिर नहीं सकता। आपको यह लग रहा है कि डेट कंसर्न्स की वजह से गिर रहा है, तो मैंने आपके साथ कल भी कहा था गलत लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली वही अब आपको होते हुए दिख रहा है। कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है, कल भी ऑफिशियली स्पोक पर्सन ने कहा था कि डेट को लेकर कोई इशू नहीं है, एंड आज उन्होंने और डिटेल प्रोवाइड कर दी कि 1,000 करोड़ के ऑलरेडी पे कर चुके हैं, जो मैच्योरिटीज है अप्रैल में उसके लिए हम एकदम कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठे हैं, हमने पूरे वित्त वर्ष में लगभग 16,000 करोड़ का डेट पे कराया, 100 करोड़ के एडवांस पे कर चुके हैं, तो कोई इशू है ही नहीं यहाँ पे। अब वेदांता के अगर स्टॉक की बात करें तो आज पूरे मेटल में रिकवरी बाउंस बैक है, इसके के साथ वेदांता का स्टॉक भी 273 लगभग 1.5 से 2% के रिकवरी में देखने को मिल रहा है। हिंडालको में भी रिकवरी है, टाटा स्टील में भी रिकवरी है, पूरे मेटल पैक में रिकवरी देखने को मिल रही है। हालांकि मेटल इंडेक्स आपको 3% ऊपर दिखेगा, बट ऐसा कुछ है नहीं, वो 3% इसलिए ऊपर दिख रहा है क्योंकि अदानी एंटरप्राइजेस मेटल इंडेक्स में इंक्लूड होता है, तो वो आज 10% ऊपर है, इसलिए वो पूरा मेटल इंडेक्स को आपको ऊपर दिखा रहा है। अदरवाइज मेटल स्टॉक्स पर्टिकुलरली देखो तो 1 से 2% की तेजी में, जैसा कि वेदांता भी है। वेदांता की बात करें तो आज वॉल्यूम्स थोड़े ज्यादा आते हुए दिख रहे हैं। इनिशियली ही अभी 10:26 का समय हो रहा है एंड ऑलमोस्ट 70 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं, 90 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये स्टॉक खरीदो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से ये स्टॉक भागेगा या फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आपके मन में अगर डेट को लेकर डर है तो आप टेंशन फ्री रहो, डेट को लेकर कोई इशू नहीं है। वेदांता बहुत तगड़ी कंपनी है एसेट्स के मामले में, जिसके पास अच्छा खासा सफिशियंट पैसा है, अगर पैसा नहीं होता तो कंपनी डिविडेंड कैसे पे करती इतने बड़े बड़े। हाँ, वो बात सच है कि उनके पास मैक्सिमम डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक से आता है, बट वो भी तो उनकी सब्सिडियरी, तो मेरे को लगता है होल्डिंग कंपनी, सॉरी, कोई इशू है ही नहीं यहाँ पे डेट को लेकर। हाँ, स्टॉक्स की बात करें तो जैसा मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि इस पूरे वीक में कमोडिटी के प्राइसेस काफी वॉलेटाइल रहेंगे, जिसकी वजह से मेटल स्टॉक्स भी वॉलेटिलिटी दिखाते हुए दिखेंगे आपको। कल सब 2-2% ऊपर थे, आज 2-2% ऊपर है, तो ये आपको वॉलेटिलिटी बताता है। अगर वेदांता में किसी की पोजीशन है तो क्या करना चाहिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं मैं, जो आप सभी को शायद सबसे ज्यादा सुननी होगी। पहले ट्रेडर हैं आप तो मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस हुआ है, आपको एग्जिट लेना चाहिए। अब बिना बात के पोजीशन बनाने का मतलब नहीं है, आपको अगर कहीं देखिए, दो तरीके से पोजीशन बनती है। पहला, आप मेरे से पूछो मेरे पास ये स्टॉक है इसमें क्या करें, तो मैं आपको राय दे दूंगा। दूसरा, मेरे को लग रहा है ये स्टॉक जाएगा, तो उस पे वो एक तरीके से होती है बाय या सेल की एंट्री, ठीक है।
लेकिन एक पर्टिकुलर स्टॉक में कोई मूव नहीं बन रहा, तो फिर यही बोल सकते हैं ठीक है अच्छा लग रहा है, कोई इशू नहीं है, ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है, बने रहो या फिर निकल जाओ। लेकिन एंट्री लेने के लिए हमारा व्यू बनना चाहिए, तो व्यू बनेगा किसी और स्टॉक में भी वेदांता में कुछ करना नहीं चाहिए ट्रेडर को। अब आते हैं इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर की बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक के कुछ चार्ट्स पे नेगेटिव रिएक्शन है, बड़ी बिकवाली हुई है, बड़े वॉल्यूम्स के साथ हुई है, तो वो एक नेगेटिव इंपैक्ट डेफिनेटली बनेगा। मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा एवरेज वॉल्यूम 90 लाख शेयर, 90 लाख शेयर का है, उसके सामने कल 5 करोड़ शेयर ट्रेड हुए, 5 करोड़ शेयर, हालांकि डिलीवरी परसेंटेज 1.35 करोड़ शेयर का है, यानी कि डिलीवरी एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा आई है ऑलमोस्ट, लेकिन वॉल्यूम्स बहुत हैवी हैं। वॉल्यूम्स के साथ कल आपने 6-7% की पिटाई देखी, आज भी स्टॉक में वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं, तो मेरे को लगता है आपको मतलब थोड़ा सा और पेन होता हुआ दिख सकता है, बट डिलीवरी में जिसके पास है उसे बेचना नहीं चाहिए, खरीदने की राय अभी नहीं होगी और एवरेजिंग की भी राय नहीं होगी, बट डेफिनेटली आपको बेचना नहीं चाहिए स्टॉक में भी। आपको अगर 255 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो ब्रेक होगा तो 230 तक भी जा सकता है स्टॉक, और वो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ड्रीम लेवल हो जाएंगे मेरे हिसाब से। पहले ही मैंने आपको 220 रुपए का राउंड बहुत बार बोला था खरीदो खरीदो खरीदो, तो जिसने लिया पैसा बनाया आप फिर नीचे आ रहे हैं स्टॉक्स, लेट्स सी कैसा होता है। बाकी चाइना की ओपनिंग अप है, मेटल्स में ज्यादा बड़ा फॉल नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसा मुझे लगता है। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।